तक पानी पानी पानी, और जब भरना तो पड़ता है तो महिला ही को भरना पड़ता है पूरा, सो तो पानी में चाहे वो काम को बराबर करना पड़ता है, या पानी में अपना पूरा समय बर्बाद करो या काम में बर्बाद करो। पानी को ऐसे चला के देखो हमेशा जो वर्षा कमी होती जाती है तो इसलिए अपन हो शुद्ध पानी के लिए परेशानी आ जाती है। नहीं जैसे सिंचाई का पानी है तो कहीं कहीं जो बूले नहीं है तो खेती के वाले में पानी नहीं आता है सिंचाई के लाने, तो इसीलिए जो संगठन बनाया है जल सहेलियाँ हैं जो कि अपने गांव में पानी के समस्याओं को लेकर काम कर रही हैं, जो कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं पानी के प्रबंधन प्राविंग के पानी के संबंधन को लेकर जो है एकजुट होकर ये लोग काम करती हैं। इनका एक संगठन है पानी पंचायत, जिस संगठन के द्वारा ये लोग जो है गांव के पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। जो वर्षा का पानी है तो अपन उसके रोकने के लिए अपन कुछ चेक डैम बनाना चाहते हैं तो उसी से पानी रुक जाता है, तो उसी से उसी की झर से कुएं में झर जाती पहुँच जाती है, और जो जो पशु हैं उनको पीने के लिए मिल जाते हैं पानी, और जो जैसे गेहूँ देते हैं अपन तो उसे पंप से उसकी सिंचाई से पानी अपन उसकी सिंचाई भी कर सकते हैं। इतना हमारे गांव में हो चुका है कि जो थोड़े थोड़े बांध हैं बड़े बड़े बांधों से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे गांव में आस पास में साझा बांध भी है और माता टीला बांध भी है, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब खुद ही कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने अपने समझे उसी संगठन के माध्यम से अपने गाँव में एक चेक डैम बनवाया था, तो उसमें हम लोगों को जो पानी का वाटर लेवल कम हो रहा था हेड पंप में बिल्कुल पानी नहीं था, कुआं में पानी नहीं था, उस चेक डैम के माध्यम से सारे गांव में पानी है और सभी लोग हमारी बात। पुरुषों की पहले एक स्थिति थी कि जब हम बाहर नहीं निकलते थे तो पुरुष लोग हम लोगों को डांटते थे, अरे तुम कहाँ जाओगी, तुम किसी से कैसे बोलोगी। हाँ पहले डर लगता था क्योंकि हम लोग किसी से बात ही नहीं करते थे, अगर कोई ने पूछा कि तुम्हारे घर से कहाँ गए तुम्हारे ससुर कहाँ गए तो हम लोग घूंघट डाल के और अंदर हो जाते थे, क्योंकि हम लोग नहीं बोलते थे, बड़े लोग डरवाते थे गुस्सा होते थे कि बाहर किसी पुरुष से बात मत करना। और अब जब से दीदी और जो जुड़ी हम लोगों को समझ आई तो हम लोग बेझिझक बात करते हैं और घर पे भी कोई डांटता नहीं है। पहले बहुत मना करते थे कि नहीं जाना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो लेकिन हम लोग ऐसे धीरे धीरे समझते समझते अब सब कुछ करने लगे, सबसे बात करने लगे, घर पे भी बात करने लगे, प्रधान से भी बात कर लेते, कोई से भी बात कर लेते। अपने मायका के सासला पढ़ी लिखी है नहीं है दीदी, तो जे भाई साहब हमने जोड़ा, हमने एक समूह बनाई, उसमें संगठन बनाया है, तो बदलाव हो गए और अपन जानन समझने लगे, एक दूसरी बहन से पहचान करी और बोलन चालन लगे जानन लगे। हमारे गांव में तो स्थिति थी पानी की, पहले लड़कियां स्कूल भी नहीं, अगर लैन लगी है तो स्कूल नहीं जा पाती थी, जब पानी का काम किया है जब ही टाइम से लड़कियों को भी स्कूल देखते हैं। वैसे अकेले में तो अकेले ही अकेले मिलते हैं,
और जब सबरी बहने चुनते तो वो एक हमारा एक स्कूल होता है, एक मंजिल होती है, एक मंदिर होता है, क्योंकि वहाँ हम लोग सब बैठते हैं, सबरी बहने मिलती हैं, कई तरह की बातें होती हैं और कई मुद्दे उठाते हैं हम लोग।